सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके सामने भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यूँ तो भारतीय इतिहास के कालखंड को कुछ प्रश्नों में समेटना बड़ा मुश्किल होगा, किंतु ये वो प्रश्न हैं जो अक्सर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आप इन प्रश्नों को याद कर अधिक से अधिक परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। अक्सर लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं, वह पशुपालन और कृषि या शिकार को मुख्य व्यवसाय मानते हैं, किंतु यह आश्चर्यजनक है किंतु सत्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। प्रश्न को ध्यान देंगे तो समतुल्य कहा गया है, आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु या आद्य इंद्र। तो दोस्तों, आद्य शिव के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, ये नहीं कहा गया कि शिव का चित्रांकन मिलता है, बल्कि शिव के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो आप अक्सर जानते होंगे पुराणों की संख्या 18 बताई गई है। चौथा प्रश्न कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी। निरंकुश प्रणाली थी, प्रजातंत्र प्रणाली थी, गणतंत्र प्रणाली थी या वंशानुगत राजतंत्र था। तो दोस्तों, यह आश्चर्यजनक है किंतु सत्य है कि वैदिक युग में गणतंत्र प्रणाली यानी कि जिस प्रकार का शासन आज हमारे देश में प्रचलन में है, उसी प्रकार की प्रणाली वैदिक युग में भी प्रचलित थी। मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है। मनुस्मृति का नाम अक्सर आपने सुना होगा और यह स्मृति अक्सर विवादों में रहती है। तो मनुस्मृति क्या समाज व्यवस्था से संबंधित थी, कानून से थी या राजकारी पद्धति से थी या अर्थशास्त्र से। तो दोस्तों, मनुस्मृति मुख्यतः समाज व्यवस्था से संबंधित थी, यानी कि समाज का संचालन, समाज के कार्यों का संचालन किस प्रकार से हो, इसका उल्लेख मनुस्मृति में किया गया है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किस धर्म का ग्रंथ है। तो दोस्तों, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों का प्रमुख धर्म ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 7 कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। दो चीजें आपकी तैयार हो रही हैं कि बुद्ध ने प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था, यह क्या कहलाता है, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, महामस्तकाभिषेक या धर्मचक्र प्रवर्तन। तो दोस्तों, धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है। तो दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में है। कौटिल्य, जिनको भी हम चाणक्य भी कहते हैं, किसका प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त द्वितीय का, चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का या अजातशत्रु का। तो कौटिल्य या चाणक्य, जिसको हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, वह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। इन्होंने नंदवंश का नाश किया और मौर्य वंश की स्थापना की। आगरा, जो कि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी। तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा करवाई गई थी। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे थे। अगला प्रश्न, जो कि 12वां प्रश्न है कि विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए। आपको जानकारी होनी चाहिए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी और इस साम्राज्य के जो अवशेष हैं वह आज भी हम्पी नामक स्थान पर पाए जाते हैं। क्योंकि यह अक्सर कन्फ्यूजिंग होता है कि बीजापुर, गोलकुंडा या बड़ौदा कौन सी यह जगह है, किंतु यह स्थान हम्पी है। मुगल काल की राजभाषा क्या थी। तो लोग अक्सर मुगल काल की राजभाषा को उर्दू मानते हैं या अरबी मानते हैं, किंतु यह उर्दू, हिंदी या अरबी नहीं थी, बल्कि मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। अकबर ने, नूरजहां ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने। तो दोस्तों, दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था
और आगरे के ताजमहल का निर्माण भी शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के नाम पर निर्माण करवाया था। प्रश्न 15, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहां उतरा था? गोवा, कालीकट, मंगलौर या कोचीन? 1498 में वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। अगला प्रश्न, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, कि निम्न में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? आपने मां सरस्वती के हाथ पर वीणा देखी होगी, तो यह सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। प्रश्न संख्या 17, कि किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? नाना साहेब, एओहूम, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद? अक्सर लोग इसमें स्वामी विवेकानंद को भी आधुनिक व्यक्ति मानते हैं, किंतु भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति राजा राम मोहन राय को माना जाता है, जिन्होंने सती प्रथा का अंत कराया था और उसमें उनका अमूल्य योगदान था। अगला प्रश्न, जो कि 18वां प्रश्न है, कि 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो चूंकि नाम से आप समझ सकते हैं कि बिरसा मुंडा इस क्रांति के जनक थे। इस प्रकार की कुछ स्ट्रिक्ट परीक्षाओं के लिए जरूरत होती है ताकि हम उन प्रश्नों के आसानी से उत्तर दे सकें। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका, जयश्री, अहल्या या पद्मा? दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था, मणिकर्णिका मूल नाम था। प्रश्न संख्या 20 की ओर, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, भिखाजी कामा, एनी बेसेंट या विजय लक्ष्मी पंडित? दोस्तों, आपको जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओहूम ने की और कहीं 1916 में जाकर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। 21वां अति महत्वपूर्ण और अंतिम प्रश्न, कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की? दांडी में, चंपारण में, खेड़ा में या अहमदाबाद में? तो दोस्तों, महात्मा गांधी ने सत्य के साथ अपने प्रयोगों का जो सबसे पहला अनुभव प्राप्त किया वह चंपारण से प्राप्त किया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक प्रतियोगी प्रश्नों के उत्तर जानकर परीक्षाओं के लिए लाभ प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।